आज साउथ इंडस्ट्री भी बॉलीवुड इंडस्ट्री को टक्कर देकर बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसके पीछे की वजह इसमें काम करने वाले टैलेंटेड और मोस्ट गॉर्जियस अभिनेत्रियां हैं, जो अपने नेचुरल एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस करती हैं। और इसीलिए जब साउथ के लोग ही सिर्फ साउथ सिनेमा का आनंद नहीं लेते, बल्कि पूरा देश उस इंडस्ट्री को पसंद करता है, अपने घरों में अपने परिवार के साथ बैठकर साउथ की फिल्मों को एंजॉय करते हैं, पर साउथ फिल्मों का वर्ल्ड वाइड पहुंचाना और बेमिसाल अभिनेत्रियों का ही जादू है, जो एक्टिंग के दम पर साउथ को इतना आगे लेकर आई हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साउथ की फिल्मों को सुपर डुपर हिट करवाने में कुछ अभिनेत्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा कि अगर ये अभिनेत्रियां साउथ की फिल्मों में काम ना करें तो साउथ सिनेमा कहीं गायब हो जाएगा। इसलिए तो उन्हें एक्ट्रेस के लिए कहा जाता है साउथ इंडस्ट्री आज उन्हीं एक्ट्रेस के दम पर चल रही है। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 एक्ट्रेस से रूबरू कराएंगे जिनकी वजह से चलती है साउथ इंडस्ट्री। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो एक्ट्रेस। नंबर 1, सामंथा रूट प्रभु। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सामंथा रूट प्रभु साउथ इंडस्ट्री की वो जाना माना नाम है जिनके फिल्म में काम कर लेने भर से उस फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तय हो जाता है। जी हाँ, साउथ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सामंथा को अपनी फिल्मों के लिए बहुत ज्यादा लकी मानते हैं, इसलिए सामंथा को साउथ का हर फिल्म मेकर अपनी फिल्म लेने के लिए पीछे पीछे घूमता है। वहीं सामंथा साउथ इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी यूटर्न, आ आ आ और मंजली थैरी जैसी फिल्मों में काम करके साउथ इंडस्ट्री को एक अदर लेवल पर पहुंचा चुकी है और इनका सारा श्रेय इन्हीं को ही जाता है। नंबर 2, तमन्ना भाटिया। साउथ इंडस्ट्री को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने वाली दूसरी एक्ट्रेस का नाम है तमन्ना भाटिया, जो दिखने में बला की खूबसूरती और एक्टिंग में धमाकेदार है। वहीं आपको बता दें कि तमन्ना ने अपने 12 साल के एक्टिंग करियर में 50 से भी ज्यादा साउथ के फिल्मों में काम किया है और सभी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट भी बनाया। इसी की वजह से साउथ की फिल्मों को ऑडियंस ज्यादा पसंद करती है। वहीं ये भले ही नॉर्थ की रहने वाली हैं, पर साउथ वाले इन्हें अपना मानते हैं, तभी तो कोई भी फिल्म किसी साउथ इंडस्ट्री की अभिनेत्री के पास जाए न जाए, लेकिन इनके पास सबसे पहले आती है। नंबर 3, रश्मिका मंदाना। साउथ सिनेमा की फिल्म डियर कॉमरेड और गीता गोविंदम में जब साउथ ऑडियंस के साथ साथ हिंदी ऑडियंस ने भी गॉर्जियस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को देखा था तो देखते ही रह गए थे। जी हाँ, रश्मिका के इन दो फिल्मों की वजह से ही आज साउथ सिनेमा के पास इतना ज्यादा ऑडियंस रोटेशन है कि अब ये किसी फिल्म हो या ना हो, मगर वो फिल्म बड़े पैमाने पर धमाका जरूर मचाएगी। और ये कमाल सिर्फ पॉसिबल हो पाया है एक्ट्रेस रश्मिका के चलते, जिन्होंने अपने फिल्म के जरिए अपनी अदायगी और टैलेंट को बड़े पर्दे पर पेश किया था। नंबर 4, अनुष्का शेट्टी। भागमती और बाहुबली जैसी प्रियडेक फिल्मों में नजर आने वाली अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी का तो कोई जवाब ही नहीं है, जो खुद ही अकेले साउथ सिनेमा को हॉलीवुड में भी आगे खींच लाई हैं। जी हाँ, अनुष्का की पॉपुलैरिटी तो उस समय बढ़ गई थी जब इन्होंने बाहुबली फिल्म में अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकारी का प्रदर्शन किया था और यहीं से साउथ के डायरेक्टर ने इन्हें अपनी फिल्मों में ब्लॉकबस्टर होने का जरिया समझने लिया। तभी इस फिल्म के बाद इनकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ इनके इनकम भी डबल हो गयी और इन्हें काफी अच्छा खासा नाम भी मिलने लगा। नंबर 5, अनुपमा परमेश्वरन। सुंदर सी कजरारी आंखों को लेकर साउथ की फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन के भी पूरे इंडिया में लाखों फैन हैं, जो इनकी फिल्मों को देखना मिस नहीं करते। तभी तो नंबर 1 दिलवाला, अर्जुना कृष्णम युद्धम, दमदार खिलाड़ी, सन ऑफ कृष्णमूर्ति आज पूरे भारत में साउथ की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्में बन चुकी हैं। और इस बात को समझकर ही साउथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स अनुपमा की फिल्मों में काम करने को लेकर उनके आगे पीछे जी हुजूरी करना नहीं छोड़ते हैं। और ऐसे में अनुपमा का भी बहुत बड़ा हाथ है साउथ इंडस्ट्री को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने का। तो दोस्तों, आपको इन सभी अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री की मूवी देखना सबसे ज्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी ही मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।